एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का व्लॉग गंगा स्नान व्लॉग है, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हरिद्वार और ऋषिकेश तो हम जाते रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर टिगरी आ रही हूँ, जो मैं कभी भी नहीं आई थी। और मैंने सोचा चलो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, तो आप सबको भी बताऊँगी कि मुझे यहाँ पर आकर कैसा लगा। और हमारे पास स्पेशल पास भी थे, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं, कोई भी ट्रैफिक में हम नहीं फंसे और हम बहुत ही आराम से यहाँ पर पहुँच गए थे। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, जो इस पूरे मेले को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके और उनकी फैमिली के लिए स्पेशल टेंट्स होते हैं, कैंटीन वगैरह होती हैं और वॉशरूम और सभी चीज़ों अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं। उनको कोई भी परेशानी ना हो, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उन्हीं टेंट में से एक टेंट हमारा भी था, जिसमें हमें भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। और कैंटीन में हर तरीके का खाना मिलता है, तो मुझे तराशा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये टेंट में रहने के लिए, जो मैं कभी इस तरीके से नहीं रही, सिर्फ मैंने देखा और सुना ही है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जैसे एक बच्चे होती है, सेम उसी तरीके से भी मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद हमने अपनी कार को पार्किंग में लगा दिया था और यहाँ पर आप हमारे सैया सुपरस्टार से मिल लीजिए। तो टेंट को देखने का, उसमें जाने का, उसमें रहने का जो इंतज़ार था, वो फाइनली ख़त्म हो गया था और हम लोग अपने टेंट में चले गए थे। मुझे अंदर जाकर इतना अच्छा लग रहा था, जैसे हम एक छोटे से हाउस में आ गए हूँ। और आप भी देख लीजिए, हमारा टेंट इस तरीके का था। और उसके बाद जितना भी ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था, हमने उसको क्लीन कराया अच्छे से, पूरा गद्दे वद्दे बिछा कर, पूरा बेडशीट लगवा कर, सब क्लीन करा कर हम घूमने के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर हम अपने मेला देखने के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें पता था नेक्स्ट डे एंड उससे नेक्स्ट डे गंगा स्नान था, तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता, तो हमने सोचा आज ही हम मेले को घूम लेंगे। तो हम मेले घूमने के लिए निकल गए थे, मैं, पापा जी, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और ये भैया हैं चाचा जी के बेटे, तो हम लोग ही थे बस, हम लोग इतने ही लोग आए थे। और आप लोग भी देख लीजिए मेरा कितना अच्छा पूरा सजा हुआ था, कितनी अच्छी डेकोरेशन थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी तो मैं वहाँ की वॉइस नहीं डालूँगी, बट यहाँ पर सॉन्ग वगैरह भी चल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए थे, पापा जी को टी पीने का मन था तो सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे, सब ने अपने अपने टी को इंजॉय किया। और यहाँ पर हर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर पिज़्ज़ा भी मिल रहा था और जिसको जो भी ज़रूरत थी वो इस मेले में मिल रहा था। और यहाँ पर देखिए, आप आई चेकअप भी करा सकते हैं, किसी को मेडिसिन वगैरह लेनी है किसी भी तरीके की तो वो भी मिल जाएगी। तो हर किसी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पूरे मेले को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। जैसे जो लोग वहाँ पर आकर खाना बनाते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल ताज़ी सब्जियाँ थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ताज़ी सब्जी थी। आप हर तरीके की कोई भी सब्ज़ी लेकर वहाँ पर बना सकते हैं, वहाँ पर लोग बनाते भी हैं और फिर उसके बाद खाते हैं और बहुत दिन पहले से आकर रहते हैं और बहुत दिन तक वहाँ पर स्टे पूरा करते हैं। तो हम लोग तो बस एक ही दिन के लिए आए थे। और यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है। अब वहाँ पर भी किसी को कोई परेशानी हो तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। अब हम मेले में एंटर करते हैं, जो मेन मेला था यहाँ पर, जहाँ पर पूरा झूले वूले लगे होते, पूरी अच्छे से डेकोरेशन थी। और यहाँ पर तराशा बहुत खुश हो गई थी, वहाँ पर उसको झूले दिखाई दे रहे थे तो वो बोल रही थी मुझे भी झूला झूलना है। तो आप भी देख सकते हैं कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी नहीं था, तो हम पूरा मेले को बहुत अच्छे से घूम पाए। और अब आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। और मैं सोच रही थी यहाँ पर आप लोगों से बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो आप सब यहाँ पर मिल लीजिए मेरी फैमिली से, जो जो हम लोग आए थे। और अब आप भी मेले को देखिए और इंजॉय कीजिए। Thank you.
आशा थोड़ी देर पहले शुगर कैंडी की बात कर रही थी, उसको वहाँ पर शुगर कैंडी दिख गई तो फिर दिलाना तो बनता है, तो उसने वहाँ पर शुगर कैंडी ली। हालांकि वो खा नहीं पाती है, बस उसको शौक ही लगता है लेने का, तो वो खाई तो हम सब ने ही थी, बट उसको बस ये था कि लेना था, तो उसने वो ली। और ये देखिए वो कितनी बिग थी, तो कितनी अच्छी लग रही थी देखने में। उसके बाद वो बोल रही थी मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। और ये देखिए यहाँ पर बैठने का भी कितने अच्छे से पूरा अरेंजमेंट था, और सब लोग यहाँ पर बैठ के अच्छे से, बाद में अभी तो ज़्यादा रश नहीं है लेकिन बाद में हो गया था, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था। और यहाँ पर पापा जी मेरे लिए चाउमीन लाए, तो बोल रहे हैं कि तुम भी चाउमीन खा लीजिए, तो यहाँ पर हम अपने चाउमीन इंजॉय करेंगे, आप सब भी खा लीजिए। उसके बाद फिर हम घूमने के लिए निकल गए। और ये देखिए यहाँ पर ये पकौड़ी देखकर मन किया कि इसकी क्लिप तो बनती है, कितने अच्छे से उन्होंने पूरी लगा रखी थी और हर तरीके की पकौड़ी यहाँ पर थी। और अब आप मेले को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और ये गंगा घाट का मेन गेट था, यहाँ पर हम लोग एंटर हुए और यहाँ पर देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन थी। और यहाँ पर गंगा उत्सव मनाया जा रहा था जहाँ पर हम लोग भी देखने के लिए गए, और यहाँ पर सीरियसली बहुत रश था, ऐसा लगा था पूरे मेले में कहीं पर नहीं है, सारा रश यहीं पर है। और यहाँ पर कृष्ण जी का डांस चल रहा था, सब लोग राधे राधे बोल रहे थे, और उन्होंने सबको इतने अच्छे से इंगेज कर रखा था, पूरा माहौल इतना अच्छा बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। हम काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े रहे और हमने बहुत सारे डांस भी देखे। जब तक यहाँ पर गंगा स्नान का मेला लगा होता है तब तक यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ नया इसी तरीके से होता रहता है, और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी यहाँ पर राधे राधे बोल लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर कितना रश था, मैं आप सबको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, और ये देखिए यहाँ पर कितना रश था। अब मैं आपको दिखाती हूँ गंगा जी का घाट जहाँ पर था, तो ये देखिए यहाँ से निकलकर इधर के साइड आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से पूरा सजा हुआ था। और यहाँ पर फिर मैं तराशा को दिखाने के लिए लेकर गई गंगा जी, जिसके लिए वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत बोल रही थी कि मम्मा मुझे गंगा जी देखनी है, तो मैं उसको यहाँ पर ही दिखा रही थी, देखिए बेटा ये गंगा जी हैं और यहाँ पर कल हम बाथिंग भी करेंगे। और वह बहुत खुश थी और उसने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया, उसका छोटा सा डांस आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सबको गंगा जी का घाट दिखा रही हूँ जहाँ पर गंगा आरती भी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी मिस हो गई थी, हम थोड़े सा लेट हो गए थे तो हम आरती में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हम फिर उसके बाद भी हम यहाँ पर आए और तब भी अच्छा लग रहा था।
और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी थी गंगा के किनारे पर। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये अयोध्या मंदिर बनाया हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप सब भी देख लीजिए ये कितना अच्छे से पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए, बहुत सारा इंजॉय किया और फिर हम दोबारा से मेले की तरफ को निकल गए और मेले को घूमते हुए। और ये देखिए यहाँ पर भैया ने ये मास्क लिया है जो बहुत ही फ़नी सा लग रहा था और वो सबको इसी तरीके से डरा रहे थे, पूरा मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद हम वापस अपने टेंट में पहुंच गए और ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने ये वेलकम लिखा हुआ है और पूरा जो ये चूना होता है ये पूरा डाला हुआ है। और जो VIP टेंट वगैरह होते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छे से पूरा बने हुए थे। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर लगे हुए थे, ये VIP टेंट है और यहाँ पर शायद ये मीटिंग वगैरह उनकी होती होगी तो वो सब यहाँ पर बना हुआ था और पूरा वेलकम इस तरीके से लिखा हुआ था। और ये देखिए इस स्टैंड को देखकर मुझे याद आ गया जैसे हम अपनी ड्राइंग की बुक में प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, बिल्कुल मैं इसी तरीके से उसको सजाती थी, पूरा बनाती थी। और उसके बाद फिर हम कैंटीन में गए और वहाँ पर हमने पूरी और आलू इन्जॉय किया अपना। वहाँ पर हर तरीके का खाना बनाया जाता है, जिसको जैसा खाना है स्पाइसी नॉन स्पाइसी तो उसी तरीके से बनाया जाता है। और ये है मॉर्निंग टाइम, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा था मॉर्निंग टाइम में, एकदम फ्रेश फ्रेश वाली फीलिंग हो रही थी। मैं भी उठकर थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गई थी और मेरी ननंद भी यहीं पर रहती हैं तो उनके बेटे का कल मुंडन है तो कुछ लोग रात में ही आ गए थे, कुछ लोग आज आएंगे। तो जो लोग रात में आए थे फिर हम लोग उनसे बातें करते रहे देर रात तक और फिर देर से ही सोए थे तो देर से ही उठे हैं। फिर उठने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा घूमने लगी थी और आप सबको भी दिखा रही थी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खुला खुला। और अब मैं यहाँ पर सोचा मैंने आप सबसे चलो थोड़ी सी यहाँ पर बातें कर लेते हैं, कल तो पूरे दिन नहीं हो पाई थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी तो यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम सब सोकर उठ गए हैं, रात बहुत लेट सोए थे इसलिए लेट ही उठे हैं। अब हम सब जल्दी जल्दी से गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबको बोलूँगी कि एक बार तो सब लोग ट्राई ज़रूर करें यहाँ आना। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पूरा सब कैंप लगे हुए हैं सब लोग और आसपास के कैंप से भी फ्रेंडशिप हो गई है तो और भी अच्छा लग रहा है, एकदम फैमिली वाला माहौल हो गया है। और ये देखिए आप सब भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब लोग को हम आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग तराशा। गुड मॉर्निंग मम्मा। हाउ आर यू? चलो अब जल्दी से गंगा जी में बातिंग करने चल रहे हैं हम। और यहाँ पर ये तराशा के लिए सरप्राइज़ है, उसको ये मेले में बहुत अच्छे लग रहे थे तो ले ली थे चुपचाप, उसको नहीं पता था और वो देखकर बहुत खुश हो गई। उसके फेवरेट पप्पी तो उसको ब्लैक और ब्राउन कलर का चाहिए था, मुझे वाइट भी अच्छा लग रहा था तो फिर वाइट भी ले लिया था। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसने सबके इनके नेम भी रख दिए थे, ब्राउन कलर के पप्पी का नेम रखा था ब्राउनी, ब्लैक ब्लैकी, वाइट वाइटी, इस तरीके से उसने सबके नेम भी रख दिए थे। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर कितना ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक ही लगाकर दिखाया था बाकी उसने अपने आप ही लगा लिए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और मुझे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, उनकी नेक पर टच करो और उनकी नेक मूव कर रही थी तो बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम गंगा जी में स्नान करने के लिए आ गए थे और हमने यहाँ पर अच्छे से पूरा स्नान कर लिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ, तराशा ने तो बहुत ही मस्ती की और वो एकदम जैसे स्विमिंग करते हैं ना इस तरीके से पूरा कर रही थी और पूरा इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम वापस से अपने टेंट में आ गए थे। सो गाइस हमने बातिंग कर ली है ना तराशा? बातिंग कर ली हमने और न्यू ड्रेस भी पहन ली तराशा ने, है ना? आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? लाउडली बोलो, अच्छा लग रहा है आपको? बड़े लाउडली बताओ, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ जी। आपको घर जाना है? हाँ जी। घर पर जाना है, यहाँ पर रहना है? कुरकुरे खाने। कुरकुरे खाने। सो गाइस हमने बातिंग कर ली है और अब हम बस थोड़ा बहुत कुछ खा के और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और आई थिंक नेक्स्ट टाइम भी हम लोग
जरूर आएंगे। ओके। और मैं यहाँ पर वापस से टेंट में आई तो यहाँ पर पकौड़ी इंजॉय हो रही थी, सब लोग पकौड़ी खा रहे थे और तराशा को तो उसके कुरकुरे मिल गए थे, उसको कुरकुरे खाने थे। ज़्यादा खाती नहीं है बट उसका मन सब कुछ करता है खाने का, तो कभी कभी बच्चों का चलता है खा लेना चाहिए, तो उसको यहाँ पर मैं वही बोल रही थी आपको कुरकुरे मिल गए, तो वो बोल रही थी हाँ जी मुझे कुरकुरे मिल गई। और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी आ गए थे जो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे, और ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। देखिए ये फूल की वर्षा हो रही है, शायद आपको दिखाई दे, बीच बीच में फूल डाले जा रहे थे और वो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम से, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी दिखाई दे बट ज़्यादा इतना क्लियर दिख नहीं रहा था। और फिर सब लोग भी आ गए थे, मेरी ननंद वगैरह, और उन्होंने हमें रोक लिया, जाने नहीं दिया। हम लोग तो जाने के लिए तैयार थे, हम सोच रहे थे कि बस मिलके चले जाएंगे, बट उन्होंने रोक लिया। तो हम उसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करने के लिए यहाँ पर चले गए थे, और तराशा ने फिर से बहुत सारी मस्ती की। और फिर हम वापस से आए तो वही वाली फीलिंग जैसे टेंट में बनाते हैं, तो वो पूरा सामान वगैरह लेकर आए थे, तो उन्होंने फिर ये स्टोव और गैस पर चाय बनाई, और यहाँ पर फिर सब ने इवनिंग में टी इंजॉय की अपनी। और उसके बाद हम सब फिर खेलने के लिए चले गए, हमने सोचा जब अब रुक ही गए हैं तो फिर पूरा इंजॉय करते हैं, तो हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए चले गए थे। और बहुत टाइम के बाद मैंने बैडमिंटन खेला था, तो पहले तो खेला ही नहीं जा रहा था ठीक से, फिर जब खेलते रहे तो उसके बाद फिर अच्छे से खेलना भी आ गया था और फिर अच्छा भी लगने लगा था, तो बहुत देर तक हमने बैडमिंटन खेला। और आप लोग भी देखिए और इंजॉय। अब सब हम यहाँ पर घूमने के लिए निकल गए हैं, और जो हमारी कल गंगा आरती मिस हो गई थी तो हमने सोचा आज उसको हम देख लेते हैं, कल तो हमारी मिस हो गई थी तो आज हम उसको मिस नहीं करेंगे। हम जल्दी से निकल गए थे और फिर हमने जाकर गंगा आरती के दर्शन किए। और यहाँ पर तराशा आरती ले रही है, हम सब ने भी आरती ली। जैसे कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरीके से कल हमारी गंगा आरती मिस हो गई थी, तो लेकिन हमारे उसमें लिखा था कि हमें गंगा आरती के दर्शन होंगे ही, शायद हम इसी वजह से आज रुक गए थे और हमने गंगा आरती के दर्शन भी कर लिए। फिर उसके बाद फिर हम अपने कैंप में वापस चले गए थे क्योंकि हम कल घूम लिए थे यहाँ पर। और कैंप में जाकर बड़े लोगों ने सब ने ये काली दाल की खिचड़ी बनाई, जो गंगा जी के घाट पर खाना कंपलसरी समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। सब ने देखिए कितने लोग हो गए थे और सब ने मिलकर बहुत अच्छे से इस खिचड़ी को एंजॉय किया। और मुझे वैसे भी काली दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर तो सबके साथ और भी अच्छी लग रही थी। तो कल मुंडन था तो ये लोग ढोलक लेकर आए थे, फिर हम सब ने गीत गाए बैठकर, शायद एक दिन पहले इस तरीके से होता है। और ये देखिए बच्चे देखकर कितना जल्दी सीख जाते हैं। और तराशा ने अपनी बोल लेकर बैठ गई थी और जैसे जैसे चाची जी इस तरीके से ढोलक बजा रही थी उसी तरीके से वो देखकर बिल्कुल अपनी फिंगर को इसी तरीके से चला रही थी, तो सब लोग बोल रहे थे देखो ये तो बहुत जल्दी से ढोलक बजाने लग जाएगी। तो बच्चे बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करते हैं, कैच करते हैं।
और फिर उसके बाद हम सुबह उठे और जल्दी जल्दी गंगा स्नान किया और 5 बजे हम वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था और सब लोग फिर बहुत रोक रहे थे कि आज मुंडन है, रुक जाइए। बट हम एक दिन तो रुक गए थे, एक दिन और नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए फिर हम अपने घर को निकल गए थे। और आप सब बताना ही आपको कैसा लगा। मुझे तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं नेक्स्ट ईयर भी आऊँगी। और जो लोग मेरे जैसे हैं, जो कभी भी नहीं आए हैं, मैं उनको बोलूँगी एक बार ज़रूर आएँ। लाइफ में हर चीज़ करनी चाहिए, कभी भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया। तो मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उन्होंने ही मुझे फ़ोर्स किया था कि चलो एक बार देख कर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब भी बताना आप सबको ही मेरा व्लॉग कैसा लगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप सबको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।